नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट। और आज इस वीडियो के जरिए हम बात करने वाले हैं जीएसटी नंबर की। जी हां, आप कैसे अपने जीएसटी नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जीएसटी आईएन जो होता है वो स्पेसिफिक आइडेंटिफायर 15 नंबर का यूनिक कोड होता है, और कभी भी दो लोगों का एक जैसा जीएसटी नंबर नहीं हो सकता। यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका अलग जीएसटी नंबर होगा। इसकी मुख्य वजह यह है कि जीएसटी नंबर जो होता है आपके स्टेट कोड और साथ ही साथ आपके पैन नंबर पर आधारित होता है, और स्टेट कोड जो है वो हर क्षेत्र का अलग है। और इसकी जानकारी भी आपको हम बताएंगे कि स्टेट का कौन सा कोड है, लेकिन पहले आप मोटे तौर पर ये जान लीजिए कि जीएसटी नंबर जो है वो कभी भी दो लोगों का एक जैसा नहीं हो सकता। तो चलिए आपको बताते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार जो स्टेट कोड निर्धारित किए गए हैं वो किस तरीके से हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर 1, हिमाचल प्रदेश 2, पंजाब 3, चंडीगढ़ 4, उत्तराखंड 5, हरियाणा 6, दिल्ली 7, राजस्थान 8, यूपी 9, बिहार 10, सिक्किम 11, अरुणाचल प्रदेश 12, नागालैंड 13, मणिपुर 14, मिजोरम 15, त्रिपुरा 16, मेघालय 17, असम 18, पश्चिम बंगाल 19, झारखंड 20, उड़ीसा 21, छत्तीसगढ़ 22, मध्य प्रदेश 23, गुजरात 24, महाराष्ट्र 27, कर्नाटक 29, गोवा 30, केरल 32। तो दोस्तों, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे पूरा यकीन है कि अपना जीएसटी नंबर आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि हमने आपको स्टेट कोड्स का भी ब्यौरा दे दिया है। और इसके अलावा आप ये भी अब आसानी से पता लगा सकते हैं कि जीएसटी बिल आपको असली मिल रहा है कि फर्जी। और अगर आपको ये जानना है कि आपका जीएसटी बिल जो आपको थमाया गया है वो फर्जी है या फिर असली है, तो आप हमारा एक और वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ज़्यादा जानकारी आप वहाँ से उपलब्ध कर सकते हैं। फिलहाल मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन आप हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई और जानकारी आपको चाहिए तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।